इस वीडियो में सोराइसिस की तीन बेहतरीन रेमेडीज बताने जा रहा हूं। अगर आप सोराइसिस का शिकार हैं तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत आसान रेमेडीज हैं जिन पे आप अमल कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस्म अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करने लगता है। एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल प्रोटीन्स हैं जो हमारा मुदाफियती निजाम हमारे सेल्स और टिश्यूज को वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए पैदा करता है। और ऐसा भी होता है कि किसी वजह से इन सेल्स का जीनियाती मादा तब्दील होने की वजह से, इनकी साख तब्दील होने की वजह से एंटीबॉडीज इन सेल्स और टिश्यूज को वायरस या बैक्टीरिया समझ के इन पे अटैक कर देती हैं और इसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सोराइसिस में जिल्द के कुछ हिस्सों के सेल्स जिन्हें आम हालात में बॉडी 28 से 30 दिन में तब्दील करती है, इसमें यह अमल हर 3 से 5 दिन में होने लगता है। सेल्स तेजी से बनते और तब्दील होते हैं जिसकी वजह से जिल्द सुर्ख और स्केली हो जाती है, ड्राई स्किन के छिलके बन जाते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं। ऐसा टी सेल डिसफंक्शन की वजह से होता है। टी सेल्स फंक्शन में खराबी की वजह से होता है। टी सेल्स हमारे मुदाफियती निजाम का हिस्सा हैं। इनकी बहुत सी किस्में, यहाँ पे जो टी सेल मसला पैदा करता है वो है TH17 सेल। सोराइसिस में TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अपने काम को तेज कर देते हैं। और TH17 वो सेल्स हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज में इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह बनते हैं। दूसरी तरफ टी सेल की एक और किस्म है जिसे टी रेगुलेटरी सेल कहते हैं। ये सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। सोराइसिस में TH17 सेल्स का लेवल बढ़ जाता है और टी रेगुलेटरी सेल्स का लेवल कम हो जाता है, मतलब बीमारी पैदा करने वाले सेल्स का फंक्शन बढ़ जाता है और बीमारी से लड़ने वाले सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। सोराइसिस में ऑल्टर्ड माइक्रोबायोम एक और वजह, बॉडी के फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल से या बुरे लाइफस्टाइल की वजह से। गट माइक्रोबायोम, मेदे और आंत में रहने वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया, सोर थ्रोट गले में इंफेक्शन की वजह से, स्पेसिफिकली स्ट्रेप थ्रोट फेरेंजाइटिस या किसी और इंफेक्शन की वजह से माइक्रोबायोम ऑल्टर्ड हो जाते हैं, अपनी साख बदल लेते हैं, फायदा मंद से नुकसानदेह हो जाते हैं और टी सेल डिसफंक्शन की वजह बनते हैं। विटामिन डी TH17 सेल्स को इनएक्टिव करता, इनकी फंक्शनिंग को रोकता। अब अगर इस पे आप रिसर्च करें, और कुछ लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान में सोराइसिस में सिंथेटिक कॉर्टिसोल प्रेडनिसोन की फॉर्म में दिया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाने के लिए। और सोराइसिस में विटामिन डी लेवल्स डाउन रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही बात यहां की गई है। इस स्टडी का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है कि विटामिन डी नेचुरल प्रेडनिसोन की तरह एक्ट करता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोराइसिस सर्दियों में सीवियर हो जाता क्योंकि विटामिन डी लेवल्स बॉडी में डाउन रहते हैं। सर्दियों में हवा खुश्क हो जाती है, हवा की नमी खत्म हो जाती है, सनलाइट एक्सपोजर, जिस्म को धूप नहीं लगती, रूटीन चेंज होने की वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से, डाइट चेंज हो जाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है, ओवरऑल डिप्रेशन बढ़ जाता है, जो वजह बनता है सोराइसिस के सीवियर होने की। दूसरे नंबर पे है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल से ना सिर्फ विटामिन डी और विटामिन ए मिलता है, इसके साथ साथ इसमें आपको DHA और EPA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। ओमेगा 3 बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। तीसरे और आखिरी नंबर पे हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स विटामिन डी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। रिसेप्टर्स सेल्स पे मौजूद छोटे छोटे गेट्स हैं जो खुलते और बंद होते हैं, और इनका खुलना और किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट का इन गेट्स के जरिए उस सेल में जाना रिसेप्टर एक्टिवेशन कहलाता। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और उसमें विटामिन डी मौजूद है तो जैसे ही ये खाना छोटी आंत में जाता तो गॉल ब्लैडर या पित्ता बाइल सॉल्ट्स खारिज करते हैं। बाइल सॉल्ट्स खाने की तोड़ फोड़ करके इसमें से विटामिन डी अलहदा करते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। विटामिन डी छोटी आंत के सेल्स में जज्ब हो जाता है और सेल्स के अंदर तक जा पाता है। तो अब यहाँ अगर इन रिसेप्टर्स पे कोई रेजिस्टेंस या रुकावट मौजूद है, जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म के किसी बीमारी की वजह से इन रिसेप्टर्स में जीनियाती तब्दीली हो गई है, इनकी साख्त बदल गई है और विटामिन डी सही से जज्ब नहीं हो पा रहा, विटामिन डी
के ये गेट्स खुल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स अपना काम करते हैं, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, और बाइल सॉल्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं TH17 सेल्स को कंट्रोल करने में, और बाइल सॉल्ट्स रेगुलेट करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स को, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जो बाइल सॉल्ट मैं रेकमेंड करता हूँ वो है टटका। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट 3 से 4 कैप्सूल आप ले सकते हैं खाने से पहले, इसलिए कि इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और लास्ट में 2 चीजें, फास्टिंग, रोजा रखें, लंबा रोजा रखें, और ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि सोरायसिस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सीलिएक डिजीज की तरफ भी बात जा सकती है। तो इन बातों पे अमल करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।